हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हीरो नेटवर्क में स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूं। तो ये वीडियो दोस्तों माइने मिजराज के अवेस्ता अवतार की कि उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, साथ ही हमारा एफबी पेज को विजिट करते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं माइने मिजराज के अवेस्ता अवतार के पावर्स एंड एबिलिटीज को। तो माइने मिजराज के अवेस्ता अवतार की हिस्ट्री जानते हैं। तो इसे जोहा को हराने के लिए मिस्र के लोगों ने इस अवतार को बनाया था अपने जादुई शक्तियों से। और ये जो अवेस्ता अवतार है दोस्तों, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज काफ़ी यूनिक है। और माइने मिजराज का सातवां अवतार है, मैं आपको बता दूँ, और बेल्ट का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल अवतार अभी तक अवेस्ता ही है। माइने मिजराज का सबसे शक्तिशाली अवतार यानी कि अवेस्ता। तो दोस्तों, अवेस्ता की पावर्स एंड एबिलिटीज काफ़ी यूनिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनलिमिटेड स्ट्रेंथ की, जो कि माइने मिजराज का अवेस्ता अवतार है उसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है दोस्तों। यहाँ दोस्तों अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। और अगला है दोस्तों अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी, जो राज का अवतार अवेस्ता है उसके पास अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी यानी कि वो फाइट करते हुए कभी थक नहीं सकता। और साथ ही उसके पास एनहेंस एजिलिटी है दोस्तों, यानी कि उसने पाँच राज के पाँच अवतारों को हरा दिया था अवेस्ता ने बिना टाइम लगाए। तो दोस्तों, इससे पता लग सकता है कि वो कितनी एजिलिटिक है। और अगला है फ्लाई, जो अवेस्ता है दोस्तों वो फ्लाई भी कर सकता है। और साथ में दोस्तों अवेस्ता के पास इलेक्ट्रिक पावर्स की शक्तियां हैं जिनकी मदद से वो फाइट करता है दोस्तों। और दोस्तों, अगली जो पावर है माइने मिजराज के अवेस्ता की वो है दोस्तों टेलीपोर्टेशन। जी हाँ दोस्तों, जो माइने मिजराज का अवेस्ता है वो टेलीपोर्ट हो सकता है कहीं भी और किसी भी जगह पर। और एनहांस की स्पीड, उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज है दोस्तों, काफ़ी तेजी से ट्रैवल कर सकता है। उसके मैजिकल वॉन्ड दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली है, उससे वो मैजिकल पावर्स को यूज़ करता है। और दोस्तों, ये किसी भी अवतार को या किसी भी असुर को बराज का अवतार बना सकता है। और दोस्तों, इसे सिंबल ऑफ लाइट भी बोलते हैं, यानी कि जब जो मिस्र के लोग थे उन्होंने इसे अंधेरे को हराने के लिए बनाया था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब करने से मैं इंस्पायर होता हूँ यहाँ पे, और ऐसी ही नई वीडियो लाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।